मंदसौर में न्यूज 24 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ। आबकारी विभाग ने शराब में 10% की छूट देने वाले आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही देसी शराब की दुकानों पर लगाई गई अधिकारियों की ड्यूटी को भी निरस्त कर दिया गया। दरअसल कल आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर मंदसौर की 3 देसी शराब की दुकानों पर कोरोना के दोनों डोज लगे हुए व्यक्ति को शराब में 10% की छूट देने का आदेश जारी किया था और इन दुकानों पर अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। इस मामले में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी बयान जारी कर विरोध दर्ज कराया था। फिलहाल आदेश निरस्त करने पर मंदसौर DM का कहना है कि सेकेंड डोज लगवाने के लिए प्रेरित करने को लेकर शराब ठेकेदारों की पहल पर सिर्फ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसे वापस ले लिया गया। ये जो आदेश है, चूंकि वो आबकारी अधिकारी ने जारी कर दिया, इससे ये भ्रम की स्थिति निर्मित हुई कि संभवतः शासन या प्रशासन या शासकीय अधिकारी ने कोई छूट दे दी है। किसी भी आबकारी या शराब के व्यवसाय में छूट जो है शासन स्तर पर अगर निर्णय होता है तो पूरे प्रदेश में लागू होता है। तो इस तरह का कोई निर्णय प्रशासन या जिला स्तर पर या आबकारी अधिकारी के स्तर पर नहीं लिया जा सकता। घटनाक्रम के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने बहुत विस्तार से आबकारी अधिकारी से चर्चा भी की थी। कल शाम को भी मेरे सामने मामला संज्ञान में आया था, तब ये था कि कुछ जो शराब के व्यापारी हैं वो सेकंड डोज के नाम पे 10% की छूट देना चाह रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा क्या था कि ये आदेश नहीं होने के केवल सहयोगात्मक पत्र था जिसको सूचना जारी की गई थी और इसमें शासन के राजस्व की किस तरह का नुकसान नहीं होना था। ये ठेकेदार स्वयं के प्रॉफिट से 10 रुपये का डिस्काउंट केवल इसलिए दे रहा था कि शासन को सहयोग करते हुए वैक्सीनेशन को एक अच्छी स्थिति में ले जाए ताकि समाज आने वाली तीसरी लहर से बच सके। लेकिन विडंबना ये हुई कि इसको कुछ लोगों ने भ्रमित हो गए कि इसको शराब को प्रमोट किया जा रहा है। वैसे भी शराब का ग्राहक तो डेली दुकान पे आता ही है, उसे प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन प्रमोट हम वैक्सीनेशन को कर रहे हैं कि हमारी वैक्सीनेशन लग जाए। अब वैक्सीनेशन लगने के साथ आप भी समझते हैं कि जब दूसरी लहर में किस स्थिति से हम भयावह स्थिति से गुजरे, उस स्थिति को टालना हम सबका फर्ज है। और स्थिति को कैसे टाला जाए, जैसे आज मॉल में पूछा जाता है केवल कि आपने वैक्सीन लगा लिए, उन्होंने कहा हाँ और चला गया। लेकिन इसका प्रूफ क्या है कि उसका लगा? अगर वैक्सीन का प्रूफ वो देता है तो उसको सुविधा अगर मिलती है तो उससे दूसरे लोग प्रेरित होते हैं कि भाई चल वैक्सीन लगा ले। उसके घर वाले कहते हैं वैक्सीन लगा लें।